कैसे हैं आप? लेक्चर टू में आपको स्वागत है। डे टू में हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है, उस स्पेस सेक्टर में हमने कौन कौन सी, यहाँ पर हमने इंजन्स की बात की थी, ठीक है, और हमने कौन कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं इंजन्स में, उसके बारे में कई सारी बात की थी। PSLV, SSLV, इन सब के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा स्पेस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पैटर्न है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने बताया था पहले लास्ट वीडियो में आपको द स्क्रैमजेट, रामजेट और टर्बो इंजन के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखे जाके। इसमें हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दैट इज़ द PMO, ठीक है, और उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, और उसके अंतर्गत आता है इसरो। देखिए, अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस द इसरो वर्क्स, एंड इसरो के अंतर्गत दो PSU आती हैं, एंट्रिक्स और NSIL बैंगलोर। क्या है, देखिए ये है एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न। सबसे पहले हमारी एक इसरो है। इसरो किसके अंतर्गत आती है? इसरो कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्पेस कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। इसरो की दो ब्रांचेस हैं, फर्स्ट वन इज द एंट्रिक्स एंड सेकेंड वन इज द NSIL। एंट्रिक्स के बारे में बात करें, सो एंट्रिक्स क्या है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बैंगलोर में सिचुएटेड है, और ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और ये क्या करती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे कि इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज द प्राइवेट कंपनी और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1992, यानी कि पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, उसके बाद 1992 में इसको गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडरी बना लिया, यानी कि PSU, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट ये बन गई। अभी एक मिनी रतन कंपनी है। कौन कौन सी सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज किसको? फॉरेन प्लेयर्स को। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी एंट्रिक्स है, सो एंट्रिक्स प्रोवाइड सर्विस टू द फॉरेन प्लेयर्स, ओके। कौन कौन सी सर्विसेज है जो एंट्रिक्स प्रोवाइड करती है? सो कौन कौन सी सर्विसेज है जो हमारी एंट्रिक्स प्रोवाइड करती है? पहला है कि ये रिमोट सेंसिंग डेटा सर्विसेज को प्रोवाइड करती है फॉरेन प्लेयर्स को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करती है, लॉन्च सर्विसेज, अगर किसी को अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करवाना है, जैसे आपको पता है इसरो बहुत सारी देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करती है, हम क्योंकि हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड वो है ये कि हम बहुत ही सस्ते में जो सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देते हैं, सो दिस इज़ आवर अचीवमेंट, ठीक है। जितने में एक हॉलीवुड मूवी नहीं बनती उतने में हमने अपना मंगलयान को भी, मंगल मिशन को भी कंप्लीट किया हुआ था। नाविक की सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराती है। नाविक क्या है? नाविक हमारी GPS सर्विस है, जस्ट लाइक GPS की जो सर्विस है ये USA की सर्विस है, बेसिकली USA का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो इस सर्विस को यूज़ करता है, उसी की ये सर्विस है बेसिकली, और आज पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। उसी तरह हम लोग नाविक सर्विस लेके आए हैं। नाविक एक ग्लोबल पोजिशनिंग यानी कि ग्लोबल GPS की सर्विसेज की तरह ही एक सर्विस है। फिर बात करते हैं मिशन सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। फिर न्यू इंडिया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, देखिए मैंने भी बताया आपको, क्या बताया कि इसरो की दो ब्रांचेस हैं, पहला है एंट्रिक्स, इसके बारे में बात किया गया, ठीक है। जो जो सर्विसेज है वो किसको प्रोवाइड करती है? फॉरनर्स को प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये सर्विसेज जो है वो डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, ठीक है, फॉरेन प्लेयर्स हैं, दोनों को प्रोवाइड करती है। ये किसको प्रोवाइड कर रही थी? सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स को, बट दी NSIL, दैट इज़ दी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये प्रोवाइड करती है किसको? दोनों को, डोमेस्टिक और फॉरेन प्लेयर्स दोनों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, विच इज़ अ कंपनी बेस्ड इन द बैंगलोर, ठीक। नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन से सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करती है। पहला है सैटेलाइट स्पेस सर्विस, यानी कि ये भी सैटेलाइट लॉन्च करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है PSLV और SSLV। PSLV के बारे में बताया गया था मैंने, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी जो स्पीड है वो मैक 3 तक की स्पीड है। और SSLV के बारे में बताया था कि SSLV की जो पेलोड कैपेसिटी है, ठीक है, पेलोड कैपेसिटी जो SSLV की है वो कितनी है? 500 kg। और SSLV कितने दूर तक जा सकता है? दैट इज़ द 500 km अबोव अर्थ। ये SSLV के बारे में बताया था, दैट इज़ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्चिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है,
कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द इसरो टेक्नोलॉजी। देखिए इसरो बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बनाता रहता है, ठीक है, और पेटेंट करा रहता है, तो उन टेक्नोलॉजियों का कॉमर्शलाइजेशन, उनको बेचना, इवन आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर बहुत सारे जो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन इंक्यूबेटर सेंटर्स, उन सबको इसरो ने इन्वेंट किया था, तो उनको बेचना मार्केट में, ये भी कौन करता है, ये भी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करती है। बिल्डिंग ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट्स को बनाना भी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है, ठीक है। इट एम्स टू हेल्प द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर एंड टू सपोर्ट द डोमेस्टिक मार्केट इंडस्ट्री। सो जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज करना और डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ्लरिश करने का मौका देना। जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं, सो यूएस में तो यूएस में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है जो स्पेस के लिए, दैट इज़ द नासा, ठीक है, और एक बहुत बड़ी स्पेस कंपनी है, इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, एंड बहुत बड़ी स्पेस कंपनी है बाय द एलॉन मस्क, ठीक है। सो एलॉन मस्क के द्वारा बहुत बड़ी एक स्पेस कंपनी चला जाती है, दैट इज द स्पेस कंपनी ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द नासा विच इज़ अ गवर्नमेंट सेक्टर स्पेस कंपनी। नाउ और अगर हम बात करें इन स्पेस मिशन के बारे में, तो ये क्या है, इन स्पेस एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अभी मैंने बताया आपको, पहले आएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फिर उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसमें आपके आएंगे इसके नीचे आएगा आपका बेसिकली इसरो, और इसरो के दो ब्रांचेज होंगे, दैट इज द एंट्रिक्स एंड योर NSIL, ठीक। सो इन स्पेस क्या है, ये ऑटोनॉमस एजेंसी है, ये क्या है, इंटरमीडियरी है किसके बीच में, इसरो और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में, ठीक है, यानी कि अगर इसरो को अपना सामान बेचना है किसको, प्राइवेट प्लेयर को, तो यहाँ पर ये इसका नाम है SpaceX, ठीक है, मैं भूल गया था इसको, SpaceX नाम है इसका। सो इसरो प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में एक कोलैबोरेट करेगी, कौन, इन स्पेस, ये प्रमोट करेगी किसको, प्रमोट करेगी रेगुलेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस एंड हैंड होल्डिंग टू द प्रमोटिव द प्राइवेटाइजेशन। बेसिकली जो इन स्पेस है वो एक ऑटोनॉमस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, एंड इट विल रेगुलेट द कॉमर्शलाइजेशन और द ट्रेड बिटवीन द मर्चेंडाइज ट्रेड बिटवीन द इसरो एंड द जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके बीच में। फिर बात करते हैं इनिशिएटिव्स ऑफ द इसरो, कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स हैं इसरो ने लिए हैं। सो फर्स्ट इज द वेदास, वेदास इज द विजुअलाइजेशन ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड द आर्काइवल सिस्टम। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जो किसका यूज़ करेगा, थर्मल, माइक्रोवेव और ऑप्टिकल डेटा का, किसके लिए, रिसर्च, एकेडमिक एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको ध्यान रखना है कि वेदास एक मिशन है किसका, इसरो का, दैट इज़ द विजुअलाइजेशन ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड द आर्काइवल सिस्टम। सेकेंड इज़ द भुवन पंचायत 3। सो भुवन पंचायत 3 ये एक मिशन है इसरो का, और ये कैसा मिशन है, जियो इमेजिनिंग वेब पोर्टल है ये, क्या है ये एक वेब पोर्टल है, नॉट मिशन एक्चुअली, वेब पोर्टल। ये करेगा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करेगा, और इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत, डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस एंड इसरो। फिर युविका, युविका दैट इज़ द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये क्या करेगा, 3 स्टूडेंट्स को लेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट से, और उनको गाइड किया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द इसरो फॉर मेकिंग देम मेकिंग द साइंटिफिक टेम्परामेंट उसको बच्चों के अंतर्गत वो फ्लरिश करे उसके लिए। फिर हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमी रिलेटेड टू द ओशियंस इज कॉल्ड द ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, और उसके सस्टेनेबल यूज़ के लिए, ठीक है, हमें ओशियंस का हमें क्या करना चाहिए, ओशियंस का सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ओशन का कई बार सस्टेनेबल यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द ओशियंस, यानी कि अगर आप इवन आप फिशिंग कर रहे हैं तो सस्टेनेबल की तरह करिए। जैसे आप कई बार, हम लोग बॉटम ट्रॉलिंग का यूज़ करते हैं जिससे जो सी वीड्स होती है, ठीक है, जो सी वीड्स होती है या फिर आप सी ग्रास कह दो, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है, किसका सस्टेनेबल यूज़ करना है, ओशियन या ब्लू ओशियन इकोनॉमी को। और उसके अलावा हमें
फिशिंग को फ्लरिश करने का प्रॉपर टाइम देना है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल यूज़ करना है ओशियन और उसके रिसोर्सेज का, और इम्प्रूव्ड करना है क्या लेवलीहुड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंटेन द इकोसिस्टम ऑफ द हेल्थ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ को मेंटेन करना है। यही जो मैंने बात किया कि अगर आप फिशिंग भी कर रहे हैं सो फिशेस को रिप्लेनिश करने का हमें क्या देना है, इनफ टाइम देना है। ठीक है, एंड द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर द ब्लू इकोनॉमी, कौन कौन से, पहला है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट, ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम लोग, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करेंगे। ठीक है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, कोस्टल कनेक्टिविटी करेंगे पोर्ट्स टू द मेन लैंड। ठीक है, जिससे हमारा ये इंडिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी कुछ कई सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कई सारे पोर्ट्स होते हैं। वैसे बात करा जाए तो इस दैट इज़ जो हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वो कम है इन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर क्या नेचुरल ट्रेंचेस बने हैं, अंदर की तरफ जगह है जहाँ पर नेचुरल कोस्ट हैं। ठीक है, और मतलब यहाँ पर नेचुरल कोस्ट ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जैसे कोई सामान आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मई पोर्ट में कोई सामान आया तो उस सामान को हमको अंदर मेनलैंड तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को पोर्ट की मेनलैंड से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी, और हमें अपना जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। व्हाट इज़ लॉजिस्टिक सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर वो होता है कि जैसे आपका सामान यही मुंबई पोर्ट में आया तो मुंबई पोर्ट से ये अंदर तक कैसे जाएगा, सो इसको पूरे को मेनटेन करना। ठीक है, ये सप्लाई चेन है पूरी मेनटेन करना, डेट इज़ द लॉजिस्टिक सेक्टर। फिर हम बात करते हैं ओ स्मार्ट स्कीम, ये क्या है, ओ स्मार्ट स्कीम क्या है, ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी मिशन टेक्नोलॉजी स्कीम, दैट इज द ओ स्मार्ट स्कीम। ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा। ठीक है, ये यूज़ किसको करेगी, ये यूज़ करेगी मैराइन रिसोर्सेज को इन ए सस्टेनेबल वे विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ओ स्मार्ट स्कीम का जो पर्पस है वो क्या है, उसका पर्पस है कि हम जो भी मैराइन रिसोर्सेज हैं उन्हें सस्टेनेबल वे पे यूज़ करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, थर्ड इज़ द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये क्या है, हमें इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट करना है, कोस्ट का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, फिर आगे बात करें, मैनेजमेंट ऑफ द कोस्ट यूजिंग द इंटीग्रेटेड अप्रोच, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी और कोस्टल का क्या करना पड़ेगा, कोस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, और ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा होगा, सोसाइटी ऑफ द इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ द इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है, दिस इनिशिएटिव इज असिस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रोग्राम जो है ये इनिशिएटिव असिस्टेड है। फिर अगर बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, सो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है हर 2 साल में। ठीक है, और जो इंडिया में जो इंडिया का जो लीड्स इंडेक्स है, ठीक है, इंडिया का जो लीड्स इंडेक्स है जिसको रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एसोसिएशन विद द डेलॉयट्स। ठीक है, वो उसमें जो गुजरात है वो फर्स्ट स्टेट आया है, और ये जो इंडेक्स है वो बेस्ड है किसमें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। सो यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंस, सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के क्या क्या जो इनिशिएटिव्स आपको पता होने चाहिए, पहला है आपका जेमिनी डिवाइस। जेमिनी डिवाइस क्या है, गगन इनेबल्ड मैराइन इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ये क्या करेगी, ये डिसिमिनेट करेंगी इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के बारे में और डिजास्टर वार्निंग के बारे में, ताकि हम लोग अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट को कर पाएं। ठीक है, सो जेमिनी डिवाइस के बारे में बात किया हमने बात किया था कि ये एक क्या है, इसका यूज़ करेंगे, जो इस्तेमाल करेंगे वो डिसिमिनेशन करेंगे क्या इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि अगर आपको कहीं पर इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन और डिजास्टर वार्निंग देनी है टू प्रिवेंट द डिजास्टर मैनेजमेंट, वी विल यूज़ दिस जेमिनी डिवाइस विच इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंस। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इम्प्लीमेंट किसके द्वारा होगा, वो इनकॉइस के द्वारा होगा, विच इज़ इन द हैदराबाद। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज।
ठीक है, और जो ये है इनक्वायज़, दैट इज़ द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये डेवलप कर रहा है क्या डिजिटल ओशियन, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करेगा ओशियन डेटा के मैनेजमेंट में, 3D, 4D चार्ट्स को फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द ओशियनिक डेटा। ठीक है, जो ओशियन का जो डेटा है जो हमें चाहिए उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक विविड रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करेगा क्या इनक्वायर्स। फिर बात करते हैं डीप ओशन मिशन, इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। सो डीप ओशन मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का एक इनिशिएटिव है जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इट इज़ यूज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द डीप ओशियन। सो जो डीप ओशियंस का जो एक्सप्लोरेशन है उसको करने के लिए हमने डीप ओशन मिशन का इस्तेमाल किया हुआ है, और जो डीप ओशन माइनिंग और ओशन क्लाइमेट चेंज जो सर्विस है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको पता है कि जैसे हमारे जो लैंड होता है, जो लैंड में भी सारा पेड़ और मतलब लैंड जैसे है हमारा, लैंड में भी वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, और पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, नदियाँ होती हैं, तो उसी तरह ही जो हमारा जो ओशन है, ओशन के अंतर्गत भी क्या होते हैं, ओशन के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, जैसे ये ओशन है तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ओशन सरफेस की, ठीक है, तो ओशन सरफेस पर जो वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, देखिए जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारे ओशंस में होता है, जैसे हमारे लैंड में होता है, वैसे इन जो ओशंस के अंतर्गत भी क्या होता है, ये देखिए ये वोल्केनोज है खूब सारे, ठीक है। सो इस तरह से ओशन के अंतर्गत भी वो सारी ओशियनिक इकोसिस्टम होता है जिसे हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग, तो हमें क्या करना है कि जो डीप ओशनिक जब मिशन करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग फिशिंग करते हैं तो उस फिशिंग में जो फिशर्स क्या करते हैं, वो बॉटम ट्रॉलर का यूज़ करते हैं। बॉटम ट्रॉलर क्या होता है कि जैसे आप फिशिंग कर रहे हैं अपनी बोट में, तो आप एक बड़ा सा एक लोहे का कांटा अंदर डालते हैं पानी के अंदर, ठीक है, और जिसके वजह से क्या होता है कि जो ओशन में जो हमारी सी वीड्स हैं या फिर सी जो ग्रासेस हैं, ठीक है, जो हमारी सी वीड्स या जो सी की ग्रासेस हैं वो क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ओशन ट्रॉलिंग जो है ये भी एक ख़राब चीज़ है, तो ओशन इसको भी प्रिवेंट करना है। पर डीप ओशन मिशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो हमें सस्टेनेबली ओशन का यूज़ करना है और ओशन की माइनिंग करना है, ताकि जो ओशन के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं हम उसको एक्सप्लोर कर सके, उसको एक्सप्लॉइट कर सके इन अ जुडिशली वे, ठीक है। तब फिर हम बात करते हैं दो प्रोजेक्ट्स के बारे में। पहला प्रोजेक्ट क्या है, अंडर दिस आर डी सैलिनेशन प्लांट बाय द टाइडल एनर्जी एंड समरसेबल व्हीकल, ये दो प्लांट्स हैं अंडर द डीप ओशन मिशन। एंड द थर्ड इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है। फिर हम बात करते हैं एक ऐप के बारे में, दैट इज़ द मौसम ऐप। ये मौसम ऐप क्या है, ये वेदर की जानकारी देगी, ठीक है, वेदर की जानकारी देगी, ये सिटी की फोरकास्ट करेगी, नाउकास्ट करेगी। फोरकास्ट का मतलब आने के एक दो दिन बाद आगे कितना मौसम कैसा रहने वाला है उसके बारे में जानकारी देगी। नाउकास्ट का मतलब एक दो घंटे के बारे में, क्या एक दो घंटे में क्या कैसा मौसम रहेगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दैट इज़ द इमीडिएट फोरकास्टिंग में क्या करेगी, ये हेल्प करेगी। इट ऑल्सो गिव्स द वार्निंग एनी वेदर चेंज, अगर कोई वेदर चेंज में कोई चीज़ें आ रही हैं, कोई वार्निंग देना है, ठीक है, फोरकास्टिंग सिस्टम है, तो ये भी प्रोवाइड करेगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट ऐप है, मौसम ऐप, जो कि आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज द इन्फ्यूज़र। इन्फ्यूज़र क्या है, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस, ठीक है, ये क्या है, ये क्या करेगा, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल को देगा, जो कि दिल्ली में अभी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, और ये इनिशिएटिव है, दैट इज़ द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का ये इनिशिएटिव है। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता चाहिए कि सफ़र ऐप। सफ़र ऐप क्या है, ये एक ऐप है, किस इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड द रिसर्च बाय द IMD एंड IITM। देन आगे बात करें थोड़ा सा और, इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
आपको पता है कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा यूनानी और सिद्धि और होम्योपैथी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आयुष का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मिशन आयुष लॉन्च किया है। ये क्या है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। इसका काम क्या है, ये स्ट्रेंथनिंग करेगी, मजबूत करेगा, क्या ये स्ट्रेंथनिंग करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, विच गेव एजुकेशन टू द आयुष डॉक्टर, ठीक है। तो जो भी आयुष डॉक्टर्स हैं उनको जो भी एजुकेशन देगा वो अंडर द आयुष मिशन के दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट के क्वालिटी कंट्रोल है उसको भी ध्यान दिया जाएगा। मेडिसिनल प्लांट्स जैसे आपको पता है, वैसे देखा जाए तो जो वीड होता है, ठीक है, वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है, और भी कई सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। तो उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है या उसको एक एक सेफ एनवायरनमेंट में ग्रो करना, सो इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये क्या है, ये इनिशिएटिव है MOCI, मिनिस्ट्री ऑफ द एंड देन दी मिनिस्ट्री ऑफ दी आयुष, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा आयुष जो मेडिसिन हैं उसके बारे में। नेक्स्ट थर्ड इज द आयुष ग्रिड। आयुष ग्रिड क्या है, ये एक IT बैकबोन है जो कि पूरे आयुष सेक्टर को क्या करेगी, होल्ड करेगी, इंक्लूडिंग ऑल द सब सेक्टर ऑफ द आयुष, यानी कि IT ग्रिड। ग्रिड का आपको इस्तेमाल पता है, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वहाँ पर भी हम लोग ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो आयुष ग्रिड है वो क्या करेगी, जो पूरा आयुष सेक्टर है उसके IT मैनेजमेंट को ये हैंडल करेगा, और जिसमें आयुष के अलावा जो उसके सब सेक्टर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। इसका एम क्या होगा, इसका एम होगा कि जो आयुष की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग जो भी हॉस्पिटल्स में आ रही हैं, लैब्स में आ रही हैं, उनको प्रमोट करना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द हेल्थ केयर, ठीक है। आयुष है क्या, आयुष इज़ अ टाइप, इज़ दी ट्रेडिशनल सिस्टम, हमारा जो हेल्थ केयर का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वही तो आयुष है। फिर उसके बाद एक और पोर्टल है हमारा अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इज़ दी नमस्ते पोर्टल। फिर हम बात करें इट नमस्ते पोर्टल क्या है, ये भी इट इज़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और इसका भी काम क्या है, इसका भी काम है कि प्रमोट करना जो टर्मिनोलॉजीज एंड दी मॉर्बिडिटी कोड्स फॉर द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम। तो यानी कि जो मिशन नमस्ते जो पोर्टल है, इसका जो एम है वो क्या है, मॉर्बिडिटी को बढ़ाना, प्रमोट करना, ठीक है, मॉर्बिडिटी कोड्स को प्रमोट करना आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनल लॉ ड्रग रिपोजिटरी फॉर द आयुष, ये क्या है, इट वॉज सेट अब एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सिद्धा एट द चेन्नई। तो ये एक और इनिशिएटिव है, रीजनल लॉ ड्रग रिपोजिटरी फॉर द आयुष, जिसको हमने चेन्नई में सेटअप किया हुआ है अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है। पहला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हमारा जयपुर में है। देन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द होम्योपैथी, इट इज़ इन द कोलकाता। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनानी, इट इज़ इन द बेंगलोर। यूनानी क्या है, यूनानी यूनानी हैज़ अ पर्शियन एंड द अरबिक ओरिजिन है इसका शब्द का। थर्ड आपको जो पता चाहिए वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सोवा रिगपा, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये प्लांट बेस्ड है और इस्टेब्लिश किया हुआ है हमने लेह पर, ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द तिब्बतन मेडिसिन, ठीक है। तो ये जो सोवा रिगपा है, ठीक है, ये प्लांट टू बी बेस्ड इस्टेब्लिश है द लेह, इसको हम लोग लेह में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और सोवा रिगपा इट इज़ बेस्ड ऑन द तिब्बतन मेडिसिन एक्चुअली। अदर डिटेल्स की अगर और बात करें, डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी, तो अदर डिटेल्स अबाउट द आयुष कौन कौन सी हैं, जो एंशियंट टेक्स्ट है हमारा, कौन कौन से एंशियंट टेक्स्ट है, जैसे चरक संहिता, ठीक है ना, एंड अष्टांग समग्र, ये प्रमोट करते हैं किसको, मेडिसिनल पार्ट ऑफ द आयुर्वेदा को। शुश्रुत क्षमता आपको पता ही है, टॉक्स अबाउट द सर्जरी। डॉक्टर देखिए, अगर हम बात करें कि जैसे हमारे यहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं और कितने होने चाहिए, तो अभी जो WHO बोलता है वो बोलता है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, दिस इज़ द गाइडलाइंस ऑफ WHO। बट अभी इंडिया में हमारे यहाँ पर 1,445 में एक डॉक्टर है, सो दिस इज़ ऑल्सो द टॉपिक ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है। फिर हम बात करते हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये क्या है, इसको दो
सेट अप इन द ईयर 2000 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा हमने नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को सेटअप किया हुआ था। किस लिए सेटअप किया गया था? डेवलपमेंट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट सेक्टर टू द स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस मिनिस्ट्री। सो दिस इज वन मोर थिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द टूडेज लेक्चर। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। इफ यू लाइक द वीडियो subscribe our channel. Thank you. Jai Hind.